अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं एस 24x7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद हसन नगर के इलाके में बच्चे क्रिकेट खेलते वक्त अचानक खौफजदा हो गए, जब इनकी नज़र एक दो मुंह वाले सांप पर पड़ी। पता चलते ही यूसुफ खान ने पहुँच कर सांप को पकड़ लिया और पुलिस को इंफॉर्मेशन दी। पुलिस इंस्पेक्टर विठल रेड्डी और अरशद ने पहुंचकर इस सांप को जू के आला ऑफिसरों के हवाले कर दिया और इसमें शामिल इस मौके पर शामिल टीआरएस के लीडर सैयद अमीर भी मौजूद थे। नाजरीन, इस दो मुंह वाले सांप के बारे में मुख्तसर सी जानकारी। ये सांप जहरीला नहीं होता है, इसके दो मुंह एक साथ काम नहीं करते हैं। एक मुंह से ये खाता पीता और चलता है 6 महीने तक, और 6 महीने के बाद ये अपना दूसरा मुंह इस्तेमाल करता है। वो 6 महीने एक मुंह से और 6 महीने और एक मुंह से चलता खाता पीता है। इसमें बिल्कुल जहर नहीं होता है, जिसकी वजह से इसको कोई भी आसानी से पकड़ लेता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इधर मूवमेंट नहीं है ना। कौन पकड़ेगा? पकड़ गया। कहाँ पकड़े? गली में मिला। नहीं, जू पार्क में जू पार्क ले जाना सर। इंदू सर को सर नीलचंद फोटो दी सुन जू पार्क ले जाना। सर पकड़े। हेलो, देखिए क्या रहने सर। अरे बाहर निकाल के हां।